जिला के एकमात्र आदर्श दिव्यांग विद्यालय में मुख एवं श्रवण वर्धित बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक आदर्श पाठशाला वाल हमीरपुर में इन दिव्यांग बच्चों की कक्षाएं चलाई जा रही हैं। दिव्यांग होने के बावजूद सामान्य बच्चों की तरह पढ़ाई करना और अन्य गतिविधियों में भाग लेना इनके साहस और लगन का परिणाम है। पढ़ाई में भी ये बच्चे कम नहीं है। इन बच्चों की हैंडराइटिंग इतनी सुंदर है कि मानो मोती जड़े हों। ये बच्चे निडर होकर रोजाना स्कूल आते हैं। इन अक्षमों को सक्षम करने में सबसे बड़ा योगदान अध्यापकों का है। राजकीय माध्यमिक पाठशाला अभियान के तहत इस स्कूल में 20 दिव्यांगों की कक्षाएं चलाई जा रही हैं, जिसके लिए दूर गांवों से ये बच्चे यहां पर पढ़ने आते हैं। ये बच्चे प्रशिक्षित अध्यापक का कहना मानते हैं और अध्यापक की बात भी अच्छी तरह से समझते हैं। सांकेतिक भाषा में इन्हें जो भी कहा जाता है उसी भाषा में जवाब देते हैं। स्कूल के 3 बच्चों ने राज्य स्तरीय खेलों में भाग लेकर प्रथम व द्वितीय स्थान हासिल कर जिला का नाम रोशन किया। वैसे तो जिला में सैकड़ों दिव्यांग है, लेकिन इस विद्यालय में 6ठी से जमा 2 कक्षा तक कुल 20 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद इन बच्चों में देश सेवा का जज्बा किसी से कम नहीं है। जमा 1 में पढ़ने वाला छात्र साहिल हर गतिविधि में भाग लेता है। उसने राज्य स्तरीय एथलेटिक्स में भाग लेकर पहला स्थान भी हासिल किया है। साहिल का कहना है कि वह सेना में भर्ती होकर देश सेवा करना चाहता है, लेकिन बोलने और सुनने की शक्ति न होने से उसने अध्यापक बनने का सपना संजोया है। विशेष बच्चों की अध्यापक बबलीन कुमारी का कहना है कि RMSA के तहत यहाँ पर अध्यापक रखा गया है, लेकिन पिछले 3 साल से कोई इंक्रीमेंट नहीं लगाई गई है। इन बच्चों के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों के साथ प्राइवेट स्कूलों में भी ऐसे शिक्षक रखने के आदेश जारी किए हैं। यदि ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं होंगे तो उनकी मान्यता तक रद्द हो सकती है।